विश्वम आपितमेन भूतले स्वयं रूपं कदामहं जगान्ति तापदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितन्तं काव्यतीर्थं सावधूतं हरिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगनाशाखाच नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि आशात नमो महावदेन्द्राय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गोविन्दे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगते गोपेशा गोपिका माधवाकांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि साकल्पतरुवश्या उपासिन्नो एव अधितानं पावनेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भंगुं लंगेति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारुणं परमानन्द माधव श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम् हरे कृष्ण सभी को इस राम जन्मोत्सव राम नवमी के शुभ अवसर पर हम सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो गुणगान हैं विशेषतः परिचित है। भारत में खास करके ये दोनों का चरित्र भगवान राम और भगवान कृष्ण तो ये जगह जगह पे के नाम रूपा गुणा लीला के ऊपर बार बार चर्चा होती है। भागवत में पहला स्कंध में बताया गया कि सुनुताम सो कथम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तु अभद्राणि विधुनातीशु शताम सुनुताम सो कथम पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो हमको अगर संसार में कुछ पुण्य अर्जन करना है तो सबसे बड़ा पुण्य है सुनताम सो कथम पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान का कथा का श्रवण करना, भगवान का कथा को कीर्तन करना, भगवान का कथा को स्मरण करना, फिर बाकी जो नवदा भक्ति पादशलनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम तो लिखी इसका शुरुआत होता है श्रवण। तो हर साल हम इस लीला कथाओं को सुनते आ रहे हैं लेकिन
हम इस लीला कथा को जितना बार 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 सुनेंगे वो इतना मात्रा में हमारा जो हृदय का शुद्धिकरण होगा। सुनतम सो कथम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय तस्तु अभद्राणी विधनति सुषताम। क्योंकि भौतिक जगत इस तरह के बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो मल है वहाँ पे जो अभद्र है ये बार बार जैसे चेतो दर्पण मार्जनम भव महावाहनम महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम के प्रार्थना में पहले श्लोक में भी बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि। ये जो संसार है ये दावाग्नि के साथ तुलना किया गया है, मतलब जंगल में अभी गर्मी का मौसम है ना, जंगल में अपने आप आग लगता है, जंगल में कोई आग लगाने के लिए जाता नहीं है ना? संसार दावा ननी ढलोक प्राणाय कारुणा घन घन प्राप्त कल्याण वंदे गुरु श्री चरणावरिंद। तो अपने आप जैसे संसार में मतलब समुद्र में सॉरी जंगल में जैसे आग लगता है, तो ये भौतिक जगत भी ऐसे है एक्चुअली, यहाँ पे अपने आप ये जो कल है खास करके कलिजुग जो है ना, कलिजुग का और कलह बिना किसी कारण से एक्चुअली कुछ ना कुछ इस प्रकार के प्रतिकूल वातावरण सृष्टि होता है, तो उसका कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। हालांकि भगवान बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारण का कारण कौन है? भगवान है। सारे कारण का कारण भगवान है, अच्छाई का कारण बुराई के कारण। तो इसलिए इस दावानल से बचने के लिए संसार के जो आग अनर्थ ना, तो ये प्रकार के जो ये से उसको से बचने के लिए हमको बार बार क्या करना चाहिए? इस भगवान के लीला कथा को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये भव औषधि है, ये एकमात्र इस औषधि है, इस भव सागर से पार करने के लिए एकमात्र औषधि है। तो इसलिए भारत में हम देखते हैं कि हर गांव में नगर में शहर में तो लोग एक्चुअली क्या करते थे कि बार बार इस भगवान के लीला कथा को एक्चुअली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृपा करके आप म्यूट कर दीजिए प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसलिए जब भी इस प्रकार का मौका हमको प्राप्त होता है भगवान का लीला कथा को सुनने के लिए, तो इस मौका को हमको पूरा पूरा इसका फायदा उठाना चाहिए। रामायण से इतनी अद्भुत ये है घटना है, भगवान राम जी के चरित्र है, लेकिन रामायण में हम देखते हैं कि इतना दुखद है रामायण की जो हर कैरेक्टर है, हर जो रोल है उसमें हमेशा ऐसे दुखद परिस्थिति है। तो इसलिए ये जो हमारे दक्षिण भारत में इस प्रकार से एक भगवान राम जी के बहुत अनन्य भक्त थे, तो रोज उनका नियम था कि मुझे उनको रामायण पाठ करना। तो जब भी रामायण पाठ करते थे तो इतने उनको रोते 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 एक्चुअली वो भोजन भी भूल जाते थे। तो एक बार भगवान को प्रार्थना किए कि आपको ऐसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम सॉरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन आप आत्मा राम है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार से इतना तकलीफ इतना दुखद क्यों बिताना पड़ रहा है आपको? तो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि क्या ऐसे कोई और कुछ नाम है आपके चरित्र है क्या जिसमें इस प्रकार का ऐसे दुखद जो ये नहीं रहेगा? तो भगवान
उनको स्वप्न दृश्य हुए और भगवान बोले कि हाँ मेरा भी ऐसे भी कुछ लीला है और सोलह बड़े आनंद है। तो भगवान प्रभु रामचंद्र उनको शिला को सुनाए और उनको बताया कि ये जो है ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो है ये इसका कॉपी मतलब बाहर ये नहीं होगा, केवल उस मंदिर में रहेगा, जब तक आप हैं तो आप इसको नित्य प्रतिदिन इसको पाठ करेंगे। तो भगवान आपने आपने आचार्य प्रभु जीवन सिखा है। यहाँ पे हम भगवान राम जी के जानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है और भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो दोनों में लीला में कोई अंतर नहीं है ना, दोनों लीला में कोई अंतर नहीं है। तो लीला की तरफ से देखेंगे तो एक ही है, लेकिन जो तत्व में क्या है वो अंतर है। तो वही भगवान रामचंद्र जो भगवान कृष्ण होके आए, वहां पे अर्जुन अभी लड़ाई करने वाले थे, लेकिन वो सबके सामने पूरे महाभारत की लड़ाई में, तो लड़ाई शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने गांडीव को त्याग के और बता रहे कि मैं जंगल चला जाऊंगा और एक भिक्षुक के सामने ये मैं जीवन देना चाहता हूँ, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन भगवान उनको ये शिक्षा दे रहे कि अर्जुन आप गांडीव उठाओ और आपने जितने भी रिश्तेदार है, गुरु है, सुजन है, आप उन सबको एक्चुअली क्या करो, युद्ध करो। ये शिक्षा दे रहे भगवान कृष्ण भगवत गीता में, महाभारत में। और रामायण में ये शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे अभी भगवान राम को पूरी पूरी हक है कि उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए ना, लेकिन अभी उनका माता के जो ये अनुसार उनको बताया गया कि आपको अभी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अभी प्रभु रामचंद्र उसी समय उनके मन में थोड़े मात्र भी माँ के प्रति या पिताजी के प्रति कि भाई के प्रति बिल्कुल थोड़े मात्र में भी उनको द्वेष नहीं हुआ। और उससे आगे भगवान प्रभु रामचंद्र कभी भी माता कैकेयी या पिता भरत के प्रति किसी द्वेष की भावना से कभी प्रस्तुति नहीं हुई। यहाँ तक कि प्रभु रामचंद्र बताते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे बनकर राजा बना दिया। वन में राजा होते हैं ना, शेर, हाथी इत्यादि। तो भगवान रामचंद्र बोलते थे कि हंस हंस के बताते हैं खुशी से कि मेरे पिताजी ने मुझे बन कर राजा बना दिया। देखिए तो ये शिक्षा हमको मिलता है यहाँ पे भगवान रामचंद्र के लीला में। भगवान ये सिखा रहे आप त्याग करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पे कृष्ण लीला में भगवान अर्जुन के माध्यम से सिखाते हैं कि आप जिम्मेदारी लेके लड़ाई करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों का शिक्षा हम देखते हैं बिल्कुल विपरीत है, इसलिए लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं और लोगों को लगता है कि एक्चुअली अर्जुन जो इतना अच्छे नेक व्यक्ति था वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, जंगल में जाना चाहता था, भिक्षु का वेश धारण करना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया, उसकाया और उसके द्वारा लड़ाई किया और इतने लोग मारा गया। तो इसलिए जो धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम भागवत में छठा खंड में बताया गया और महाभारत में भी बताया गया कि ये धर्म का जो गूढ़ है, धर्म को ये बहुत ही गूढ़ है एक्चुअली, धर्म को समझना बहुत ही गूढ़ है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा यज्ञ आचरति श्रेष्ठो, आचार्य के द्वारा अर्जुन के माध्यम से हम धर्म का जो गुण था उसको समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए ये बताया गया कि आदो पादाश्रय, आदो गुरु पादाश्रय, शरण छह अंग है बताया गया है। उसमें से पहला जो बताया कि गुरु पादाश्रय, हमको एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेना चाहिए, गुरु पादाश्रय है ना, फिर उससे दीक्षा लेना चाहिए, उनसे सेवा करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेयेन ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः,
क्योंकि वो लोग जो है तत्वों को देखे हैं, तत्वों को जानते हैं, इसलिए हमको इस तत्व को दर्शन करा सकता है। तो हम अपने आप अगर तत्व को जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो हम हमेशा भ्रमित होंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। भगवत गीता में भगवान अंतिम शिक्षा में ये बताते हैं कि सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वेव मुख्य स्वामी मां शुचः। इसलिए हम देखते हैं कि भागवतम में गोपियों जो है अभी अपने परिवार को त्याग किए, पति को त्याग किए, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है, महान भक्त है। और तो कुछ जो है इसे थैंक यू हरे कृष्ण। तो इसलिए अलग अलग जो रामायण का शिक्षा है, तो शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे जो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा जीवन में हम कैसे लाए जाए। तो इसलिए भगवान प्रभु रामचंद्र एक मर्यादा पुरुष होने के नाते वो एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श सेवक, एक आदर्श पति, तो इस प्रकार से एक्चुअली अलग अलग रोल को निभा रहे हैं और एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों जो ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भागवतम और हम भगवान रामायण के आदर्श को अनुसरण कर सकते हैं और भगवान भगवत गीता के जो है जो ज्ञान है, उस गीता को ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवान राम जी के आदर्श चरित्र और भगवान कृष्ण की शिक्षा, लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि बिल्कुल उल्टा करते हैं, भगवान कृष्ण के चरित्र को अपनाते हैं और यहाँ रामायण को अपने जीवन में अपनाते हैं। ये बिल्कुल विपरीत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सुंदर रामायण के वाल्मीकि रामायण में, तो ये जो सुंदर प्रश्न आते हैं कि इस प्रकार से जो एक औरत था जिसका नाम था मंथरा, तो उन्होंने क्या किया, कैकेयी का मन को इस रूप से उन्होंने मंथन किया, तो जिसके द्वारा पूरा जो वातावरण क्या हुआ बिल्कुल बदल गया। तो उन्होंने कैकेयी की जो भगवान राम जी के प्रति कैकेयी का जो प्रेम था, उस प्रेम को उन्होंने क्या किया, विष से परिणत कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, साधु साधु। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि असत्संग को दूर रहना चाहिए। तो असत्संग करने के लिए पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले सत्संग को हमको अपनाना चाहिए। हम जितने अधिक मात्रा में साधुओं को संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी धीरे धीरे हमारा जो असत्संग है वो दूर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी के इच्छा से, प्रभुपाद जी के प्रयास से, इस प्रकार से जो प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना साधु संघ को स्थापना की है, जहाँ पे हमको कृष्ण भावना मृत संघ, कृष्ण भावना मृत नीति है। तो इसलिए ये प्रभुपाद इसलिए कहते कि ये जो प्रभुपाद ने कृष्ण भावना मृत संघ को स्थापना की है, तो इसका जो पुष्टि भी भागवत में दिया गया। तो प्रभुपाद अपने मन से कुछ भी नहीं किया। तो वहां पे हम देखते हैं कि जिस प्रकार राजा महाराज दशरथ इतने पराक्रमी थे, सूर्यवंशी और रघुवंशी इक्ष्वाकु के वंशज थे, और महाराज दशरथ तो इतने पराक्रमी, इतने बलशाली थे, वो जब देवता और अश्रु का संग्राम होता था, वहां देवता के मुख में दशरथ महाराज लड़ाई करते थे, तो ये कोई साधारण बात नहीं आती थी। तो भगवान जैसे यहाँ पर प्रभु रामचंद्र
सूर्य वंश में प्रकट हुए, इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो चंद्र वंश में प्रकट है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो जो तीन प्राणियां थे उनके दो, लेकिन दशरथ महाराज के मन में बड़ा दुख था कि मेरे उत्तराधिकारी के रूप में मुझे कोई संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो इसलिए उन्होंने जब मुनि ऋषि को सलाह किए तो उनको ये बताया गया कि आपको अभी पुत्रष्टि यज्ञ करना चाहिए, जिसके द्वारा कोई भी यज्ञ, यज्ञ भाई विष्णु भगवत गीता में बताया गया ना, यज्ञ मतलब क्या, त्याग, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। तो इसके जब आयोजन किया गया तो दशरथ महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ का स्थापना ये किए, और इस कारण से जो यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, और यज्ञ पुरुष के द्वारा जो यज्ञ के प्रसाद पे प्राप्त हुआ उनको, तो इस प्रसाद को उन्होंने क्या किए कि दो भाग में उन्होंने विभाजित किए। एक भाग उन्होंने बड़े रानी जो पत्नी माता कौशल्या को दिए, और दूसरा जो आधा था चले उन्होंने माता कैकेयी को दिए। लेकिन ये तीनों रानी के अंदर जो इतने अच्छे जो बर्ताव था, तो इस कारण से एक्चुअली उन्होंने, हालांकि उन्होंने सुमित्रा को उन्होंने कुछ प्रदान नहीं किए, लेकिन ये दोनों रानी ने उन्होंने अपने हिस्सा से आधा आधा हिस्सा दिए सुमित्रा को, जिसके वजह से सुमित्रा को ज्यादा प्राप्त हुआ ना, सुमित्रा को ज्यादा प्राप्त हुआ एक्चुअली, ये दोनों को आधा मिला और सुमित्रा को आधा मिला है ना। तो इससे ये भगवान हमको ये सिखाते हैं कि हम जितना सहकार करेंगे तो हमको ज्यादा फायदामंद होगा। इसके कारण उनको दो पुत्र प्राप्त हुए और इनको एक पुत्र प्राप्त हुए। और फिर यहाँ तो धीरे धीरे यहाँ भगवान रामचंद्र उनके जोड़ी के रूप में, लक्ष्मण अनंत शेष जो हमेशा राम जी के साथ रहते थे, इस कारण से उनके जो भरत थे माता कैकेयी के पुत्र, भरत के साथ शत्रुघ्न का मिलाप होते, वो दोनों साथ में जोड़ी के रूप में हमेशा रहते थे। और एक बार की घटना है कि राजा दशरथ ने सामने यहाँ पे जो महर्षि वाल्मीकि आए और दशरथ महाराज को मांगे कि आपके जो ज्येष्ठ पुत्र है भगवान राम, मुझे चाहिए एक्चुअली कि मैं उनको जंगल में लेके जाऊंगा, और जंगल में जो उस समय रावण के केसर जो अनुचर थे, खास करके मारीची और सुबाहु, फिर ताड़का इत्यादि जो राक्षस थे, इतना उपद्रव मना विचार है तो उनको हत्या करने के लिए। तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि वो इतने पराक्रमी थे, तो वो चाहते थे तो ससुर को आसानी से मार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी दशरथ महाराज का सहायता मांगते हैं, उनके पुत्र का सहायता मांगते हैं ना, कि वाल्मीकि यही नहीं चाहते थे कि ये जो कार्य है ये किसी क्षत्रिय का काम है, राजा का काम है एक्चुअली, इसलिए राजा के द्वारा ही उनका वध होगा। तो उस समय राजा दशरथ महाराज इतने चिंतित हो गए, इतने बेहोश हो गए कि क्योंकि राम जो थे, प्रभु रामचंद्र थे, उनके इतने प्राण थे, तो प्राण को कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। तो बाद में जब वशिष्ठ आदि ऋषि के सलाह से तो उनको बताया गया, नहीं ये जो महर्षि वाल्मीकि आप अपने पुत्र को साधारण न समझिए, आपके पुत्र भी इतने पराक्रमी है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, और साथ में भी महर्षि वाल्मीकि मांग रहे हैं तो वो भी उनको कई सारे अच्छा जो विद्या या ज्ञान या अस्त्र ये भी उनको प्रदान करेंगे, तो ये भी इस कारण है। और उसके सबसे जो अंतरंग कारण ये था कि उनका भाव करा जाएगा। तो आपको
पता है, फिर दशरथ महाराज के आज्ञा से उनको लेके गए। साथ में लक्ष्मण जी तो कभी भगवान राम जी के बिना नहीं रह सकते हैं, लक्ष्मण जी साथ में गए और आगे ताड़का का वध हुआ और उसके साथ जो मारीचि था तो भगवान ने मारीचि को वध नहीं किए। भगवान ने, भगवान को पता था कि जो मारीचि है ये मायावी है और ये आगे रखे मुझे राम रावण जी को वध के लिए ये मदद करेगा, तो इसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया उनको और उनको वहां से लेके दंडकारण्य से लेके उनको ऐसी जगह पे छोड़ दिए समुद्र के बीचों बीच में। तो इसलिए बता रहे थे कि जो आज के जो मॉरिशस शहर है बसा वो मारीचि के नाम से बसा, बड़ा मायावी था और उसके स्वभाव की भी उन्होंने। तो फिर आगे गए, उनका विवाह हुआ जो चार भगवान राम जी के साथ सीता का विवाह हुआ और फिर जो उर्मिला थी सीता जी का बहन लक्ष्मण जी के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार दो उनके और दो बहन थे जिनका नाम था मांडवी और शुक्रकृति। मांडवी के साथ भरत का विवाह हुआ और शुक्रकृति के साथ शत्रुघ्न का विवाह हुआ। इस प्रकार से चारों भाई का विवाह संस्कार हुआ। इसके बाद जो अयोध्या में आए और फिर अयोध्या में इतना खुशहाली और फिर दशरथ महाराज के जो बूढ़े हो गए थे, दशरथ महाराज के मन में ये चिंता था। तभी भगवान रामचंद्र की उम्र कभी 26-27 साल हो रहा था, तो दशरथ महाराज सोचे कि एक्चुअली कि अभी तो मुझे अभी इस राज्य का कारोबार जो है अभी मुझे सौंपना चाहिए। तो उनके मन में तो हार्दिक इच्छा था कि भगवान रामचंद्र जो है कौशल्य के पुत्र है, वो सबसे ज्येष्ठ है और सबसे गुणवान है, सारे सद्गुण संपन्न। तो इसलिए उन्होंने सलाह लिए। जब सलाह लिए तो वशिष्ठ इत्यादि ऋषि मन गण एक्चुअली बताया कि राम जी हैं एक्चुअली उपयुक्त जो है के उतारे थे खड़े बनने के लिए योग्य है। और जब उनको पूछा गया कि उचित जो है समय मुहूर्त था, तो उन्होंने बताया कि जो कल का जो समय है वही समय एक्चुअली सबसे मुहूर्त समय आ रहे हैं, तो इसलिए आप देरी मत कीजिए। इसलिए पूरे राज्य में घोषणा हुआ कि कल के जो दिन है वो भगवान प्रभु रामचंद्र का राज्य का अभिषेक होगा, राज बनेंगे। तो पूरे जो है अयोध्या में इतना खुशियाँ जो खुशियाँ बना रहे थे, लोग अपने घर को सजा रहे थे, लोग मिष्ठान इत्यादि बना रहे थे और लोग तैयारी कर रहे थे कि अपने कल भगवान रामचंद्र का अभिषेक में उनको बधाई देंगे ना, तो अपने हिसाब से लोग तैयारी कर रहे थे। तो पूरा जो अयोध्यावासी भगवान राम जी के को इतने भी प्रसन्न थे, इतने खुशियाँ थे, किसी को भी कोई शिकायत नहीं था अपनी थी। तो लेकिन सारे जो खेल क्या हो गया, कि केवल जो एक मंथरा मंथरा जो एक कुसंग के कारण ये पूरा जो एक्चुअली क्या हो गया, खेल पूरा बिगड़ गया। तो मंथरा के बारे में बताया जाता है कि जो मंथरा थी या भगवान दशरथ महाराज का पहला जो विवाह हुआ कौशल प्रदेश कौशल्या के साथ, और उसके बाद कैकेयी का जो विवाह हुआ, कैकेयी के पिताजी का नाम था अश्वती कैकेयी प्रदेश, तो उनके साथ जो उनका विवाह हुआ, तो उस समय जो कैकेयी को ये जो है ये मंथरा जो स्त्री ऐसे भी प्राप्त हुई थी जिनका कोई नाम, जिनका कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई कुल कोई ये कुछ भी पता नहीं था एक्चुअली, है ना। तो एक अनाथ स्त्री जैसे थी, ऐसे ही उनको प्राप्त हुआ। और ये बताया जाता है कि उनका एक कुज्जी था, कुज्जा कृष्ण क्या ना। तो फिर वो आके रानी के साथ, रानी का विवाह हुआ, कैकेयी का विवाह हुआ, तो वो भी अयोध्या में आने लगी, तो रानी के साथ में थी। तो भगवान भी कैकेयी जो है अपने पुत्र भरत से भी भगवान राम जी को ज्यादा प्रेम कर रहे थे,
तो ये मंथर आ जाके पहले जो है जो उनको पता चला इसलिए कि पूरे जो अयोध्या नगरी भगवान राम जी के युवराज के जैसे खुशियां मना रहे हैं, तो मथुरा के मन में एक्चुअली क्या हुआ, ये कुबुद्धि आई बैठी, तो आपने सोचा कि एक्चुअली कि मैं जाके अभी कैके जो है उसको मैंने मंत्र पूछूंगी। किसी प्रकार से अभी भरत जो है, भरत भी कुछ कम नहीं है, तो इसलिए भरत को युवराज बना जाए और भगा सॉरी भगवान रामचंद्र को संवास करने के लिए। वो मंत्र आई, मंत्र आके एक्चुअली कि कैके को बोले आपको पता है युवराज बनेंगे, तो कैके भी जो पहले कैके भी नहीं पता नहीं था, क्योंकि ये जो बात है केवल भगवान रामचंद्र सॉरी मंथरा वशिष्ठ और दशरथ महाराज को बताने वाले थे महाराज एक्चुअली, लेकिन कैके को पता चला। कैके भी इतनी खुशी हो गए, वो भी इतने सरल स्वभाव की थी, तो उसको बिल्कुल थोड़ी ये भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भरत जो है अपने मामा के घर गए थे, उनका मामा का नाम था भरत, और साथ में शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर गए थे। तो उसके मन में ये विचार नहीं आया कि मेरा पुत्र के अनुपस्थिति में इतने बड़े जो है ये हो रहा है, तो इसके पीछे कोई मतलब कुछ तो ये रहेगा, षड्यंत्र रहेगा। लेकिन उनके मन में इतने भगवान राम जी के प्रति महाराज दशरथ के प्रति इतना प्रेम था, तो बिल्कुल वो सोच नहीं पाए थी। मैंने कहीं कह नहीं, नहीं उनको मंत्र के द्वारा उनको बता रही है आपको पता नहीं कि पहली कि, और जब वो सुनी कहीं कह नहीं ने, वो तुरंत एक्चुअली क्या किए अपने स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन के शरीर सजा के अलंकार के द्वारा और बहुत सारे अलंकार उन्होंने मंत्रा को दी, लेकिन मंत्रा उसने एक्चुअली उसको तोड़ के फेंक दी। बोला आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा गया है। तो कैके पूछ रही कि कैसे, ना भगवान राम को राजपुत्र, बोला ठीक है भगवान राम मंत्रा ये भी बता रही है कि राम को राजा बनाने में कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में क्यों बना जाता है कि जब अभी भरत नहीं है तो भगवान राम अगर राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी, वो राजा मत बनेगी तो फिर आप उनको नौकरानी बनेंगी और भारत को छुटा हो तो राम के दास बनेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो इसी तरह से बार 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 चलिए क्या के मन प्रति भगवान के राम के प्रेम था, उसको पूरा उनके ने क्या किया जहरीला बना दिया, शांत कर दिया। तो इसके कारण तो भगवान कैके ने वो उसके मन में क्या हुआ, धीरे 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 विश्वास जगा किसके प्रति, मंथरा के प्रति, क्योंकि मंथरा बोले कि मैं देख सकता हूँ आप साधारण साधा सीधा हो तो आप ये नहीं समझ सकती है, मुझे पता है। तो बिल्कुल वो पलटी गई, बिल्कुल बदल गई, तो फिर पूछने लगी तो क्या करना है। तो उसी समय मंथरा ने उनको याद दिलाई कि आपको पता है कि जिस समय आप देख पार की घटना है दशरथ महाराज इंद्र के पक्ष से असुर के साथ जो लड़ाई हो रहा था, इसलिए दशरथ महाराज बिल्कुल शरीर क्षत विक्षत हो गया था, उसने आपने उनको मदद की, आपने उनको अच्छी तरह से सेवा की, जिसके द्वारा दशरथ महाराज आपको बताए थे कि मैं आपको दो वर देना चाहता हूँ, मांगी आपने चाहती है। तो कैके को भी तो याद आया थी। देखिए अभी कैके को दशरथ महाराज ने ये वर दिए थे तो ये किसी को पता नहीं था, लेकिन कैके ने और इस वर को मांगा नहीं है, उसने टाल दिया, बोले ठीक है अभी क्या चाहिए मुझे, आप मेरे पति हो, क्योंकि भगवान प्रभु दशरथ महाराज ने सबसे ज्यादा समय कैके के साथ बिताते थे, क्योंकि छोटी रानी थी है और कैके सबसे ज्यादा भी सेवा करती थी, तो ये बात किसी को भी बताया नहीं थी, ये दोनों को बीच में हुआ था, लेकिन उन्होंने आके किन को बताए, मंथरा को बताया। ये दोनों के बीच में जो पति पत्नी का ये है ये बात है, इसको एक साधारण परस्त्री के साथ बताने की
जरूरत नहीं था उनकी। ये सबसे बड़ा गलती की कौन देखिए क्या है, सबसे बड़ा गलती हुआ कि उन्होंने पहले पहला गलती किए, उन्होंने उसका ना कोई जात है ना कोई भी है, ऐसे स्त्री को पास में रखी और रखने के बाद इसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध किए, पहले तो उनसे सुनी ना। उसके बाद फिर उन्होंने पहले ये भी बताया थी कि दशरथ महाराज मुझे इतने प्रेम करते हैं कि मुझे दो बार देना चाहते थे लेकिन मैंने नहीं मांगा, तो उस समय कह के तो भूल गई थी क्योंकि उनमें मन में कोई किसी प्रकार के भावना नहीं थी दशरथ महाराज के प्रति, भगवान राम के प्रति। लेकिन सुने क्या किया, याद दिलाई, जिसके कारण पूरा खेल बिगड़ गया ना। तो शास्त्र से बताते हैं कि चलिए कभी भी कुसंग से हमको बचना चाहिए। एक्चुअली वैष्णव आचार और सबसे बड़ा ये है कि ये हम किसी प्रकार का जो अख्याति गुहम अख्याति पुछती भूते भुजयते ददाती प्रतिगृणाति उपदेश अमृत में उपकोषणपाद बताते हैं। तो किसी प्रकार से भक्त के साथ हमारा ये छह प्रकार का जो आदान प्रदान होना चाहिए, ददाती प्रतिगृणाती, भक्त को देना चाहिए, दान देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देना चाहिए, उसे उपहार लेना चाहिए। और गुह्यम आख्याति पुच्छति, गुह्यम आख्याति पुच्छति कुछ ऐसे चर्चा करना चाहिए भगवान के, या ऐसे कुछ जो है बात जो है हमको कॉन्फिडेंशली बताना चाहिए एक्चुअली, जिसके ऊपर हमारा भरोसा है, जिसके ऊपर हमारा श्रद्धा है, फेथ है। ऐसे नहीं कि किसी को भी बता देना, कुछ भी बता देना वो सही नहीं है, तो भाई वह परिणाम उसका उस पर हो सकता है। और तीसरा ये है कि हमको ऐसे जो है किसी से कुछ प्रकार की सलाह नहीं लेना चाहिए ना। सलाह किससे लेना चाहिए, उचित जो है ना, ये है हमको सलाह लेना चाहिए, लेकिन नहीं तो हमको गलत सलाह मिल सकता है। तो इसके कारण एक्चुअली क्या किया कि अभी उन्होंने कल्कि से सलाह ली, सॉरी मंथरा से सलाह ली, तो मंथरा ने क्या किया, पूरा जो भगवान राम जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा था, जो प्रेम था, विश्वास था, बिल्कुल टूट गया। क्योंकि एक बार अगर श्रद्धा या शंका डाउट अगर क्रिएट होता है तो उसको भी हटाने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि संसार ऐसे बनाए हैं ना, करो दोष निधि रागन हस्ती एक कीर्तन देवश मुक्त संग परम ब्रजेत। तो ये जो है कलयुग है वो दोष का भंडार है, दोष का भंडार है अपने को, कोई भी कभी भी कुछ भी दोष निकाल सकता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मधुमक्खी बनना चाहिए, सार ग्रह बनना चाहिए, सार को लेना चाहिए। एक है मधुमक्खी, दूसरा है एक्चुअली जो ऑर्डिनरी फ्लाई हाउस फ्लाई। मधुमक्खी क्या करता है, वो गंदगी में स्थान से भी मधु को संग्रह करता है, लेकिन ये जो साधारण मक्खी है वो मधु को लेके एक्चुअली वो अच्छी जगह पे गंदगी कर लेता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सार ग्रह बनना चाहिए, मधुमक्खी बनना चाहिए, हमेशा दूसरे का अच्छे गुण को देखना चाहिए। बुरे तो सबके पास है एक्चुअली ना, लेकिन और बुरा तो कोई भी देख सकता है, लेकिन अगर बुरे में भी अगर किसी को अच्छा दिखता है ना वो माना जाता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पहले भागवत में बताया कि कलो दोष निधि राजन हस्ती एक कीर्तन देव स्मरण कर। तो चाहे हमारे पास चाहे कितने कुछ बुरा गुण क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छा गुण है, क्योंकि अगर कोई अगर भगवान कृष्ण के शरण में जाता है, कृष्ण देव तो संग परम रजे, तो कृष्ण के शरण में जाता है, कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, तो उसके सारे जो गुण हो जाता है, अवगुण हो जाता है, जो कृष्ण का शरण लिया
भगवान कृष्ण भी इतने महान हैं तो किसी का भी वो अवगुण को नहीं देखते हैं, वो हमेशा चलिए अच्छे गुण को ही देखते हैं एक्चुअली ना। तो इसलिए हमको भी क्या करना, अच्छा गुण को देखना चाहिए। तो इस प्रकार से कई कई के जो मंथरा के मंथरा एक जो है अच्छे जो मंत्र है ना, इस मंत्र से हम मन को शुद्ध कर सकते हैं, उसके द्वारा हमारा हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जो मंत्र है इसमें मन को पवित्र कर सकते हैं। और इसके द्वारा हृदय को अपवित्र कर सकते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए हमको जैसे साधु संघ मिला है इतने भारत ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हमको जो भक्ति का लता का जो बीज प्राप्त हुआ, इस बीज को हमको क्या करना चाहिए, जैसे बीज सीड है ना, तो हमको इस सीड को हमने स्थापना किया अपने हृदय में है ना, लेकिन इस सीड को क्या करना चाहिए, फिर हमको क्या करना चाहिए, उसको जो जैसे कोई पेड़ लगाते हैं पौधा लगाते हैं तो इसको क्या करते हैं, जल सिंचन करते हैं। तो जल क्या है हमारे लिए, भगवान की कथा कीर्तन है। और उतना नहीं, जो पौधा बढ़ता है तो इस पौधा को चाहिए बाकी जानवर से बचाने के लिए उसको फेंसिंग लगाते हैं। तो फेंसिंग क्या है, साधु संघ। अगर हम असत्संग करेंगे तो हमारा जो लता है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए साधु संघ की जरूरत है। तो कई के इतने प्रेम करती थी भगवान राम से, लेकिन ये असत्संग के कारण, वो मंत्रा के कारण ना, तो क्या हो गया, क्या उनके मन में अपना विष फैल गई। और मंत्रा ने उनको ये सुझाव दिए कि जो दो वर आप मांगे बोले थे तो अभी समय है इस दो वर को मांगने। तो पहला वर ये है कि आपके पुत्र भरत जो है अभी अयोध्या का राजा बनेगा, और दूसरा बारी है कि भगवान रामचंद्र को अभी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अभी 14 साल क्यों बताया गया, क्योंकि इसमें इसके पीछे ये कि सर्व कारण कारणम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण, भगवान ही सर्व कारण का कारण है। मत्न स्मृति ज्ञान अपहनम च, भगवान सबके हृदय में बैठे परमात्मा रहते हैं। तो अभी भगवान के राज्याभिषेक का जो घोषणा हुआ तुरंत, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ था, परित्राण साधनम विनाशक दुष्कृतम धर्म स्थापना, तीन कार्य के लिए भगवान आते, साधु को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए। लेकिन भगवान एक ही कार्य में सब कुछ करते हैं, है ना, तीनों का कार्य एक साथ करते हैं भगवान। तो जो देवता लोगों को पता चला कि भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा बनेंगे, तो फिर जो रावण का हत्या कैसे होगा, भगवान माता सीता का हनन कैसे होगा, तो इसलिए उन्होंने सारे बैठक बैठाए और बुलाए। और सबने बोला अभी क्या करना चाहिए, बोले किसी न किसी तरफ से एक्चुअली भगवान राम जी को के हमको भी वनवास मिलना है। तो इसलिए अपने माता सरस्वती को बताया कि आप जाके मंथरा के वाणी में प्रवेश करो और उनके द्वारा ये बुलवाओ, ये तो सब भूल गए थे। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है ना। और फिर 14 वर्ष क्यों बताया गया है, क्योंकि आज जैसे भगवान रामचंद्र गए, माता सीता का अपहरण हुआ, फिर लंका गए, रावण का वध हुआ, फिर वापस आए, जब वापस आए तो अच्छा राजा श्री वशिष्ठ ऋषि जो है लक्ष्मण को सराहना कर रहे थे, लक्ष्मण का गुणगान कर रहे थे। लक्ष्मण जो है एक्चुअली इसलिए जो है रामायण का हीरो हुए। तो वो कैसे बोलते थे, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा है ना, लेकिन इससे जो पराक्रमी था उसका बेटा इंद्रजीत जो था, तो इंद्रजीत को मारना मतलब किसी के बस में, इंद्रजीत को वरदान प्राप्त हुआ था कि अगर कोई पुरुष जो है
14 साल के लिए अगर वो बिना खाए बिना सोए और किसी का संग न किए संपूर्ण रूप से अगर ब्रह्मचर्य व्रत प्राण किए तो भी मर सकते हैं। तो इसके कारण एक्चुअली मंथरा के मन समाधि में ये कि 14 साल तक एक्चुअली क्या करेंगे भगवान रामचंद्र वन में जाएंगे। भगवान रामचंद्र वन में जाएंगे कहाँ, लक्ष्मी नहीं रह सकते उनके साथ, लक्ष्मी साथ में जाएंगे और वो भी अकेला जाएंगे, अपनी पत्नी उर्मिला को नहीं जाके जाएंगे ना, फिर भगवान राम जी के कैसे सभा होगा। और इसलिए भगवान रामचंद्र के साथ जो लक्ष्मण जी रहे, लक्ष्मण 14 साल तक वो खाए भी नहीं सोए भी नहीं और पूरे पूरे ब्रह्मचार्य का व्रत पालन किए। भगवान रामचंद्र बोले हाँ जब पता है कि सोए नहीं और ब्रह्मचार्य का व्रत भी पालन किए, लेकिन वो कैसे है कि एक्चुअली उन्होंने खाए नहीं, क्योंकि जब मेरा भोजन हो जाता था तो मैं उनको भोजन देता था, मतलब महाप्रसाद उनको देता था। तो लक्ष्मण जी बोले कि आपने महाप्रसाद देते थे लेकिन मैंने तो आपने आदेश नहीं दिए खाने के लिए, अपने महाप्रसाद देते थे लेकिन खाने के लिए आदेश नहीं देते, तो इसलिए मैं खाए नहीं। तो रामचंद्र बोले अच्छा, तो ने लक्ष्मण हनुमान को बुलाया और हमको बोले कि ठीक है आप जाके देखो। वो जो तभी तो भगवान क्या करते, कंदमूली खा रहे थे, जल पी रहे थे वैसे ही। तो हनुमान जी गए जाके पूरे 14 साल मैंने दिन एक्चुअली पूरे घूम के आए, उनको हर जगह से प्राप्त हुआ एक्चुअली जो प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी को दिए थे ऐसे ही प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें हनुमान ने रिपोर्ट दी है कि उसमें से 3 दिन का मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो लगा आपको लगा कि 3 दिन उन्होंने भोजन किए है को लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी याद दिलाया कि नहीं, 3 दिन कैसे हुआ कि जिस दिन भरत अपने मंत्री परिषद के साथ रानी के साथ माता के साथ तो आए चित्रकूट में हमको वापस लेने के लिए, जब ही उनको बताए कि आपने पिता दशरथ महाराज का देहांत हो चुका है तो उसी दिन आपने तो भोजन नहीं किया तो मुझे भोजन नहीं प्राप्त हुआ। आज जिस दिन माता सीता का अपहरण हुआ तो उसी दिन भी मुझे भोजन प्राप्त हुआ। और जो तीसरा कारण बताया कि एक्चुअली जो जे इंद्रजीत ने जो नाग फंस के द्वारा बांध दिए थे, बेहोश हो गया था, तो उसी दिन भी मुझे मैंने भोजन प्राप्त नहीं किया। तो ये 3 दिन एक्चुअली पूरे 14 साल में, तो ये लक्ष्मण जी के ये जो त्याग है, देखिए 14 साल तक उन्होंने प्रभु रामचंद्र के सेवा के लिए उन्होंने सोए भी नहीं भोजन भी नहीं किए और किसी प्रकार से ये देखे। तो ये पूरा जो विश्वास था भगवान रामचंद्र के रामचंद्र का लक्ष्मण जी के ऊपर, लक्ष्मण जी भगवान से सबसे प्रिय सबसे बड़े सेवक है आपके लिए, ऐसा कोई सेवा नहीं कर सकते है, बताइए बिना खाए बिना पिए 14 साल का भगवान राम जी को वनवास जाने के लिए बनाया, लक्ष्मण जी आने की क्या जरूरत है। लेकिन लक्ष्मण भी तैयार हुए, मैं भी साथ में आऊंगा। और लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिमत्ता से अभी भगवान रामचंद्र निकले जो वनवास के लिए, उन्होंने सीता माता के पास गए, वो सीता माता को अनुरोध किए कि आप अभी माता का पिता का सेवा कीजिए, मैं तो चला अपनाती है। लेकिन सीता माता बोली लेकिन मेरा धर्म है पति का सेवा करना, आप जैसे आपके पिता के आदेश से सेवा चले गए जंगल में जा रहे, तो मेरा पिता का आदेश है कि मैं पति को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हालत में मैं पति का सेवा करूंगी। भगवान रामचंद्र भी कुछ बोल नहीं पाए और भगवान रामचंद्र बार बार माता सीता को बोल रहे थे कि आप अयोध्या में रहिए, क्योंकि जंगल जो आपके लिए परिवेश इतने अनुकूल नहीं। माता सीता बताया कि जहाँ पे आप है वो अयोध्या है, भगवान राम अयोध्या से कभी अलग नहीं है। तो ये जो प्रेम, ये जो त्याग की भावना, ये अनोखा, मतलब ये आपको बहुत ही विरल दिखाई पड़ेगा इस संसार में। एक्चुअली हर व्यक्ति जो है, हम हमेशा हमारे
भोग, मुझे कैसे सुख प्राप्त होगा, मुझे कैसे आनंद प्राप्त होगा, मुझे कैसे सुविधा प्राप्त होगा, हम हमेशा ही चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इस कला में इस प्रकार माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत, तो उनके केवल एकमात्र ये था कि प्रभु राम जी के सुख के लिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो सारे गोपियां ब्रजवासी का केवल एक ही भावना था कि भगवान कृष्ण का सुख के लिए। चाहे हम नरक जाने के तैयार होंगे, गोपी लोग का विधान ये था, लेकिन अगर हमारे चरण का धूल से अगर थोड़ी समय के लिए भगवान कृष्ण का अगर सरदर्द कम हो जाता है तो हम नरक जाने के लिए जाएंगे। तो ये जो है त्याग की भावना, सेवा की भावना, चलिए तो भक्ति मतलब एक्चुअली सेवा है, प्रेममयी सेवा। अंदर चरण से भक्त शने मा जन्म जन्म हुई मर अभिलाष, छड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पंच। भक्ति मतलब सेवा, सेवा अधिकार दिए करो मुझे दासी, मोरो ये विलास कुंज दियो बास। लेकिन तो भक्त जो है भगवान के सेवा से, भक्त का सेवा से कभी आपको वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन तो ये हमारा फाउंडेशन है, हमारा भक्ति का न्यू है एक्चुअली की फाउंडेशन है। तो हम जितने भगवान की सेवा, भक्त का सेवा करेंगे तो हमारे जो जो अहंकार, खोद की जो सुख, इसके बारे में हम धीरे 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 भूल जाएंगे, निस्वार्थ पर हम सेवा करेंगे। तो कई कई अभी देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से अभी ये एक्चुअली जो है भगवान, अभी प्रश्न ये होता है कि भगवान दशरथ महाराज ऐसे क्यों भरत और शत्रुघ्न के अनुपस्थित में उन्होंने भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक का घोषणा किया। तो ये मिलता पता चलता है कि वर्णन है कि जिस समय दशरथ महाराज का विवाह प्रस्ताव राजा अश्वपति के पुत्री कैकेयी, उनके साथ जो प्रस्ताव हुआ, तो राजा अश्वपति ने तो उनको ये शर्त रखा था कि आप अगर मुझे वचन दीजिए कि अगर मेरी पुत्री कैकेयी का पुत्र को अगर आप राजा बनाएंगे तो इस शर्त में मेरे दशरथ महाराज तैयार हाँ ये किए थे, तो वचन दिए थे, तो ये दशरथ महाराज को पता था, तो इसलिए दशरथ महाराज का। लेकिन क्या हुआ कि ये राम का जन्म पहले हुआ और राम जो है एक्चुअली पूरे अयोध्यावासी के प्राण थे, तो दशरथ महाराज ये नहीं चाहते थे कि मैं राम के अलावा कि भरत को मैं राजा बनाऊंगा तो सारे जो ये आज ये है तो प्रजा है एक्चुअली की वो नाराज हो जाएंगे। दशरथ महाराज असली ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि उनको भय था एक्चुअली कि किसी ना भारत को तो राजा मैंने वचन दिया है तो किसे भारत को राजा बनाऊंगा, दशरथ भगवान रामचंद्र होते हैं। तो फिर लेकिन बाद में जब सुमंत्रा को पता चला, बाद में सारी घटना, सुमंत्रा भी दशरथ महाराज को बताते हैं कि अभी दशरथ महाराज ने पहला गलती किया कि जो उन्होंने माता कैकेयी रानी कैकेयी की सेवा में इतने प्रसन्न होके उन्होंने उनको ये वरदान दिया बोले कि आप जो मांगे मैं वरदान देना चाहता हूँ और एक भी नहीं दो, एक भी नहीं दो पर रखते। भगवान बताते हैं भगवत गीता में सर्वधर्म परिचर मामेकं शरणं व्रज, मानस और देह व्यव जो कि छुमारो तुया कर देहर की लोग नंद के मारो भी रखो भी जो इच्छा तुम्हारो। ये केवल भगवान के साथ हमारे संबंध हो सकता है कि भगवान को सब कुछ समर्पित करना। हाँ लेकिन इनको जरूरत नहीं था चली कि कह के
इसमें उनको ये वरदान देना क्योंकि आप जो कुछ मानो मांगने देने के लिए मैं तैयार हूँ। हर की कल की नहीं मांगी, लेकिन वो आगे यही जाके ये कारण बना भगवान दशरथ को पुत्र के विरह करना पड़ा ना? तो उसके शास्त्र बताता है कि अपने पत्नी के प्रति ये अत्यधिक आसक्ति एक्सेसिव अटैचमेंट। अर्जुन भी बोलते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि आसक्ति परिवार के प्रति आसक्ति मिसप्लेस कंपैशन दया, लेकिन ये दया जो है सही दया नहीं है ये ना, ये आप उनकी मृत्यु का कारण बना उनके लिए ना, कुछ भी मांगे हम देने के लिए तैयार रहते हैं, ये गलत था आपने तो दिया। दूसरा जो सुमंत्र जो मंत्री थे बुद्धिमान थे, और सुमंत्रा ने भी राजा दशरथ को बताया कि राजा दशरथ तो सुन के ही बेहोश होके नीचे गिरे थे, जो भी उठते थे एक्चुअली केवल भगवान राम जी का नाम लेते थे, कई कई तो उनको इतने कर्कश शब्द से बोल रहा था कि अगर आप इस वचन को पालन नहीं करेंगे इसलिए आपको नरक जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि भगवान राम जी को बोले कि अगर पिता आप पिताजी को नरक जाने से बचा सकते हैं इसलिए आपको इस पितृज्ञा पालन करना पड़ेगा। हालांकि पिताजी दशरथ महाराज खुद नहीं बता रहे थे, के बता रहे थे अपने थे वहां पे भगवान रामचंद्र बोले कि माता आपके साथ मेरा इतना प्रेम है तो आप इस छोटे से यश के लिए आप पिताजी को क्यों कष्ट दे रहे, मुझे बता देता है कि आप मन में चले जाओ ना। भगवान रामचंद्र इतने आदर्श के बारे है, इसके लिए पिताजी को क्यों ये दुख देना था, कुछ चला देता था आप अगर, इसका मतलब ये है कि आप जो है मुझे प्रेम नहीं कर रहे। दूसरा एक बहुत अच्छी प्रसंग के द्वारा माध्यम से यहाँ पे सुमंत्र जो राजमंत्री वो बता रहे दशरथ महाराज को कि ठीक है अपने बच्चे दिया है वर देने के लिए, लेकिन ऐसा समय जो है कहाँ पे इस वचन को तोड़ा जा सकता है जिससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपको कोई अपराध नहीं होगा, जिससे आपके इस जीवन के हानि पहुंच सकता है। तो ये शास्त्र ऐसा है, तो इसलिए उन्होंने एक कहानी बता रहे थे कि वही राजा अशुपति कैके के पिताश्री और उनके रानी, तो राजा अशुपति को एक वरदान मिला था कि वो किसी भी पक्षी या पशु के भाषा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं दोनों पशु पक्षी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये शर्त ये बताया था कि अगर लेकिन वो अगर इस बात को किसी को बताएंगे जिसको बताएंगे उसका मृत्यु हो जाएगा। कंडीशन मटेरियल वर्ल्ड क्या है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है, मतलब कंडीशन, भक्ति मतलब अनकंडीशन, अहेतु की अप्रति यहाँ पे कंडीशन है। तो एक दिन की घटना थी, राजा सुपति कैके के पिताश्री अपनी रानी के साथ जो जंगल गए जा रहे थे उसमें तो पक्षी को बात कर रहे थे, तो सुन के राजा जो हंस पड़े, राजा हंस पड़े तो माता उनकी पत्नी पूछ रही कि राजा को कि पति को कि बताओ क्या आपने थे क्यों हंस रहे हो, राजा को पता है अगर मैं बताऊंगा तो पत्नी का मृत्यु हो जाएगा, उन्होंने बताया नहीं और उन्होंने डांटे अपनी पत्नी को एक्चुअली कि आपको सुनने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर राजा उस समय अगर आसक्ति होती अपनी पत्नी के प्रति बता देती तो राजा ने बताया नहीं। तो इस उदाहरण से इसको प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे राजा सुमंत्रा और दशरथ महाराज को बता रहे कि हालांकि आपने वचन दिया है लेकिन इस वचन को तोड़ सकते हो, आपको अधिकार है वचन को तोड़ने के लिए, इसमें कोई अपराध नहीं है शास्त्र, लेकिन दशरथ महाराज तक विवश थे बोल नहीं पा रहे थे क्या करें, और भगवान रामचंद्र तो स्वयं प्रस्तुत हो गए बिना राजा के आदेश
जिससे उन्होंने तैयार हो गया एक्चुअली कि श्रद्धार्य उन एकादश को पारण करने के लिए। तो ये एकादश जो पुत्र है ठीक उसके हमको सीखना चाहिए। और फिर राजा मंत्री ने फिर दशरथ महाराज ने मंत्री को बताया कि शायद उनको लगा कि ठीक है अभी करके जो है कुछ समय के लिए ये, लेकिन शायद बाद में भगवान बन जाने के बाद कैकेयी का मन जो है परिवर्तन हो जाएगी, वो अपनी गलती को स्वीकार करेगी और भगवान राम को फिर वापस बुलाएगी। तो इसलिए उन्होंने सुमंत्रा को बताया कि भगवान रामचंद्र जाएंगे, क्योंकि कैकेयी का ये था कि अभी के अभी उसी दिन जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैकेयी को ये भय थी और भरत आके अगर पहुंचेंगे तो भरत कभी भी तैयार नहीं होंगे राजा बनने के लिए। उनको पता था चल केवल राम जो है अयोध्या के राजा, कोई नहीं बन सकता। तो वो चाहते थे कि जल्द से जल्द एक्चुअली राम को जो विदा करने के लिए। और दशरथ महाराज ने सुमंत्रा को बताया कि भगवान राम जी के साथ सारे प्रकार का सुविधा, सारे ऐश्वर्य, सोने, ये पैसा सब, जहाँ भगवान रामचंद्र रहना चाहेंगे वहां पे महल बनाओ, वहां पे सारी सुविधा। ये सुन के कैकेयी बोला नहीं, कुछ भी लेने के लिए होते हैं, राज वस्त्र भी त्याग करेंगे, एक वनवासी बलकल और अपने जटा बाल को भी वो जटा बनाएंगे, लेकिन ऐसे वेश में और जाना चाहिए वनवासी के रूप में। तो ये सुन के तो दशरथ महाराज बिल्कुल रोने पड़े। तो फिर उन्हें माता कौशल्या के पास के माता कौशल्या को पता चला तो वो भी तैयार नहीं थी कैसे अपने पुत्र को कैसे रखती, तो अपने अपने माता कौशल्या को बनाई और यहाँ तक कि अपने माता कौशल्या से उसने अनुमोदन किया, आशीर्वाद ली कि आप अगर मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो मेरा भला कैसे होगा। तो हो सकता है कि कोई के प्रति कौशल्या के भी जो इसके भाव होगा कैसे है ना, तो उन्होंने उसको भी ये कर दिए और उनसे भी आशीर्वाद लिए। और फिर अंत में वो माता सीता के मंगे, सीता भी तैयार हो गए। यहाँ तक कि सीता माता ने बोली कि मैं सबसे पहले जाऊंगी, मेरे पीछे पीछे भगवान राम चलेंगे, क्योंकि रास्ता में चलते हुए जो भी ये है पेट में अंकन है कांटा है तो उसको मैं साफ करेंगे, उसके पीछे रहती। सीता का भी अपने पति के प्रति जो सेवा की भावना, और लक्ष्मण भी तैयार हो गए जाने के लिए। तो इसी तरह से तो पूरे जो है भगवान राम और लक्ष्मण और सीता और लक्ष्मण एक्चुअली तीनों तैयार हो गया एक्चुअली निकलने के लिए। और जब निकले तो भगवान रामचंद्र तो चाहते थे एक्चुअली जल्द एक्चुअली अयोध्या से दूर जाने के लिए, तो उन्होंने आदेश दिया एक्चुअली कि रथ चलाने वाले को जो तेजी से चलाइए, लेकिन साथ साथ में जो सारे जो मुनि ऋषि वो भी जाते थे तो वो चल नहीं पाते, तो उन्होंने बोले कि धीर गति में चलाने के लिए। और कुछ समय के बाद भगवान रामचंद्र क्या के फिर उससे उतरे और ये बताया कि अभी तो मैं तो वनवासी हूँ, कि अभी मुझे रथ का भी कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए उन्होंने रथ से उतरे और फिर अपने पैर में चल के फिर अच्छे। इसी तरह से भगवान रामचंद्र जो है अपने पिताजी के आदेश से और या माता सीता जो अपने पति के सेवा करने के लिए और लक्ष्मण जी और भगवान रामचंद्र के सेवा के लिए तीनों वनवास में निकले। भगवान का वन के जाने के पीछे वही था कि भगवान तो चाहते थे कि मैं जंगल में जाऊं, अपने अपने सीता को भी ऐसे बोला करते थे कि हम उस दिन जंगल में जाके रहेंगे, वहाँ का वातावरण खा लेंगे, शहर में तो सब कुछ सुविधा प्राप्त होता है, सब कुछ ये है तपस्या का जीवन। और मूल कारण यह था कि सब राक्षस को नाश करेंगे, साधुओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे,
और ये कारण था कि भगवान जो साधु मुनि से उनका संग प्राप्त करने हेतु संग प्राप्ति हेतु गए, और वैसे जो केस चले, और अंतिम जो कारण हुई था कि रावण को मारने के लिए एक्चुअली तो ऐसा कई सारे जो भेद है, तो उससे हमको इस ख्याल प्राप्त होता है कि सुधार को हमेशा साधु संघ में रहना चाहिए, असत सदाचार वैष्णव आचार्य, नहीं तो हमारा जो भक्ति लता बीज है वो कभी भी नष्ट हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने शिष्य ने बताया कि प्रभुपाद जी आप मुझे सुनने में आए और आप मुझे बोले कि आप धूम्रपान आप सिगरेट पी सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले कि वो मैं नहीं था, मेरा भूत था कि नहीं। वैसे कई कई ऐसे जो विचार यहाँ जैसे मंत्रा मंत्र दी कि नहीं, इस कारण एक्चुअली कई कई का मन जो विचलित, तो इस प्रकार हमारा मन भी हमको समय समय पे क्या करते हैं, इस प्रकार का विचार भी अच्छे थे, मंदिर क्यों जाना चाहिए, नाम क्यों जप करना चाहिए ना, प्रसाद क्यों खाना चाहिए कि नहीं। तो हमको भक्ति से सत्संग से भगवान के संग से भक्त के संग से साधु के संग से शास्त्र के संग से हमको दूर करने के लिए मन हमको ऐसे विचार हो सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे मैं किस दुष्ट मन दुष्ट वैष्णव, दुष्ट मन मन हमारा अभी मन जो है हमारा भक्त नहीं बना, इसलिए मन हमको इसी प्रकार से सलाह देता है, इसलिए हमको ऐसे जो है मन से हमको दूर रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।